हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त मैडी आज आपके लिए एक्सेल की 5 ट्रिक्स लेके आया हूँ जो हमारा समय बचाएगी और हमारा काम भी आसान करेगी। दोस्तों, पहले ट्रिक में हम सीखेंगे हाउ टू राइट वर्टिकल टू हॉरिजेंटल। दोस्तों, हमारा जो कॉलम है वो वर्टिकल दिया हुआ है, हमको उसको हॉरिजेंटली कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे अपने कॉलम को, कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे और हमारा कर्सर हम यहाँ पे रखेंगे जहाँ पे हमको वो लाइन पेस्ट करनी है। तो दोस्तों, पेस्ट करने के लिए ऑल्ट ई एस, हमारा स्पेशल पेस्ट स्पेशल ओपन हो जाएगा। उसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे ट्रांसपोज और यहाँ पे हम ओके कर देंगे। तो दोस्तों, हमारा जो वर्टिकली लाइन थी वो हॉरिजेंटली हो गई है। दोस्तों, ये हमारी पहली ट्रिक थी। दूसरी ट्रिक हम स्टार्ट करते हैं, हाउ टू सम ऑल द डाटा ओनली सिंगल की। दोस्तों, हमारे पास 12 महीने की सेल दी हुई है, हमको इसको वन क्लिक में सम करना है। तो उसके लिए हम करेंगे स्लैग सबको, यहाँ पे हमारे 4 महीने सिलेक्ट हो गए हैं। उसके बाद 4 महीने और सिलेक्ट करेंगे, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। दोस्तों, ये हमारे पूरे साल की सेल जो है सिलेक्ट हो गई है और इसको ऑटोमेटिकली सम करने के लिए हम प्रेस करेंगे ऑल इक्वल टू। दोस्तों, हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा 12 महीने का सेल यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया है। तो दोस्तों, ये हमारी दूसरी ट्रिक थी। अब हम करेंगे अपनी तीसरी ट्रिक स्टार्ट। तीसरी ट्रिक में हम सीखेंगे हाउ टू कॉपी ओनली विजुअल कॉलम एंड रो विदाउट यूजिंग कंट्रोल जी। दोस्तों, हमारे पास 5 कॉलम हमको दिए गए हैं। 5 कॉलम में से हम एक कॉलम को हाइड करेंगे, कॉलम डी को हम हाइड करेंगे। हाइड करने के बाद हम यहाँ पे चारों कॉलम को सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल सी से, और कंट्रोल सी करने के बाद कंट्रोल वी से हम पेस्ट करेंगे। तो दोस्तों, हम देखेंगे जो हमने अपना हाइड किया था कॉलम वो भी यहाँ पे शो कर रहा है। तो दोस्तों, इसको कैसे हम अपनी तीसरी ट्रिक से हाइड कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम इसको अनहाइड करते हैं। अनहाइड करने के बाद हम कंट्रोल ई को हाइड करते हैं। उसके बाद हम अपने सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे कंट्रोल सेमी कॉलर कंट्रोल सी, उसके बाद हम करते हैं यहाँ पे पेस्ट। तो हम देखेंगे दोस्तों, हमारा जो हाइड किया हुआ कॉलम था वो नहीं आ रहा, जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो फिलफिल होती है इस तीसरी ट्रिक से। दोस्तों, हम चौथी ट्रिक देखते हैं। चौथी ट्रिक में हम सीखेंगे हाउ टू रिमूव द लास्ट नेम। दोस्तों, हमारे पास यहाँ पे कॉलम दिया हुआ है, इस कॉलम में अगर हम देखेंगे तो हमारे को यहाँ पे नाम दिया हुआ है, सरनेम जिसे हम कहते हैं, ये सरनेम हमको यहाँ से हाइड करने हैं। तो दोस्तों, इसको हाइड करने के लिए सबसे पहले पहला स्टेप है, हम इसको सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद हम करेंगे कंट्रोल एच। उसके बाद हम यहाँ पे फाइंड पे जाके सबसे पहले स्पेस करेंगे, उसके बाद हम करेंगे प्रेस इनटू का, इसको हम गुना भी बोलते हैं, और हम यहाँ पे करेंगे रिप्लेस ऑल। तो दोस्तों, हम यहाँ पे हम देखेंगे जो हमारा सरनेम था वो यहाँ पे जा चुका है। तो दोस्तों, ये हमारी ट्रिक थी 4। हम अपनी पांचवी ट्रिक स्टार्ट करते हैं। पांचवी ट्रिक में हम सीखेंगे हाउ टू कलेक्ट ओनली रिक्वायर्ड डाटा। दोस्तों, हमारे पास यहाँ पे कस्टमर का नेम है और हमारे पे यहाँ पे बाइक के मॉडल हैं। दोस्तों, हमको ये जानना है कि हमारे कितने बाइक के मॉडल किन किन कस्टमरों ने लिए हैं। ये जानने के लिए दोस्तों, हम अपनी पांचवी ट्रिक का स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे मॉडल बाइक का नाम लिखेंगे, मॉडल ऑफ बाइक। दोस्तों, हमको यहाँ पे किस बाइक का मॉडल का जानना है, तो हम KTM का जानते हैं, 250। सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार प्रेस करेंगे, स्टार बाइक का नाम डालेंगे 250 cc स्टार। ठीक है, हमको इस बाइक का जानना है कि ये किन किन कस्टमरों ने लिए। ठीक है दोस्तों, तो हम शीट सिलेक्ट करेंगे, उस शीट पे जाके हम पहले डाटा पे जाएंगे। डाटा पे जाने के बाद हम एडवांस पे जाएंगे। एडवांस पे जाने के बाद सबसे पहले हम रेंज सिलेक्ट करेंगे लिस्ट रेंज में। लिस्ट रेंज में जाने के लिए हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं लिस्ट रेंज। दोस्तों, उसके बाद हम क्राइटेरिया सेलेक्ट करेंगे। क्राइटेरिया में हमारे पास आएगा ये वाला क्राइटेरिया बाइक का, और उसके बाद हम कॉपी टू मूव सेल में करेंगे। दोस्तों, तो हमारे पास यहाँ पे ये
दोस्तों, तो हमारे को ये पता चलेगी हमारी KTM बाइक के कितने बाइक्स बिकी हैं और किन किन कस्टमरों ने ये परचेज किए। दोस्तों, तो ये हमारा पांचवी ट्रिक है जिससे हम ये जान पाते हैं या जान पा रहे हैं जिससे कि हमारी कितनी बाइक किन किन कस्टमरों ने परचेज किए। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।